अटैक के बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर एक स्वर में आवाज उठी कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए और आतंक के आकाओं को पालने पोसने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आतंक को सबक सिखाने के लिए यूएन में फ्रांस ने मसूद अजहर को दंडित करने के लिए प्रस्ताव लाया और इसका समर्थन रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया। लेकिन जिस दिन मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगना था, ठीक उसी दिन बड़ी ही चालाकी से टेक्निकल झांसा देते हुए चीन ने आतंकवाद का समर्थन किया और समर्थन करते हुए अपने सियासी फायदे के लिए प्यादे पाकिस्तान और मसूद अजहर को बचा ली और दुनिया दो फाड़ हो गई। एक वो जो आतंकवाद का विरोध करते हैं तो दूसरे वो जो आतंक का समर्थन करते हैं। ये राजनीति पूरी दुनिया को पहले भी प्रभावित करती रही है और अब कुछ ज्यादा ही करने लगी है। इसी बात से आहत अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने और उसे प्रतिबंधित सूची में डालने को लेकर अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव के मसौदे को बांटा। अमेरिका के इस कदम से चीन के साथ उसके टकराव की आशंका एक बार फिर बढ़ गई। अमेरिकी प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन हासिल है, जिन्होंने इसी महीने अजहर के खिलाफ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट कमिटी में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर अमेरिका का साथ दिया था। ये बात तो आपको पहले से ही पता है कि जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी और आपको ये भी पता है कि इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। अब आते हैं कि आखिर गुस्साए अमेरिका चीन से बदला लेने के लिए जो पर्चे बांटे हैं उसमें है क्या। तो अमेरिका ने प्रस्ताव में पुलवामा आत्मघाती हमले की आलोचना की है और अजहर को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों की प्रतिबंधित सूची में डालने की मांग की। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर वोटिंग कब होगी। लेकिन एक डर फिर इस बार भी बना हुआ है कि कहीं पिछली बार की तरह चीन इस बार भी इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल ना कर दे। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ साथ चीन सुरक्षा परिषद के 5/3 सदस्यों में शामिल है जिनके पास वीटो का अधिकार है। एक दिलचस्प जानकारी भी आपको बताते चलें कि इससे पहले मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिबंध समिति में 4 बार प्रयास हो चुके हैं। चीन ने इनमें से 3 बार की कोशिशों को ब्लॉक कर दिया और हालिया कोशिश पर तकनीकी आधार पर अड़ंगा लगा दिया है, जिस वजह से प्रस्ताव 9 महीने के लिए होल्ड पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आतंकवाद पर अब क्या करता है चीन और इसके बाद विश्व परिदृश्य पर किस तरह के खतरे मंडराते हैं। ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा जब चीन इस पर अपना रिएक्शन देगा।